आपको तवक्को थी वैसे हसन साहब, ये जो इमरान खान साहब ने 20 में से 15 सीटें हासिल कर ली, फिर एक आजाद उम्मीदवार जीता, नून लीग श्रिंक होकर हुकूमत में होते हुए इतने फासिज्म टूल्स इस्तेमाल करते हुए 4 सीटों पर आ गई और इमरान खान 15 सीटों पर चले गए, तवक्को थी आपको 17 जुलाई? देखें, मैं तवक्को को तो छोड़ें आप, मैं ये बात कर चुका था कि ये चूंकि इनके DNA में है, ये पैदावार है धांधली की। अदरवाइज नवाज शरीफ साहब एक ऐसे आदमी थे जो काउंसलर नहीं हो सकते थे, हार गए थे। ये बहुत बड़ी वारदात की पैदावार थे और फिर इन्होंने बेशुमार किस्म की वारदातों में स्पेशलाइज किया। तो मैं ये कहता था कि अगर किसी वजह से कटेल हो गई या कम हो गई, ख़त्म होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता धांधली, तो इमरान को रोक कोई नहीं सकता। उसकी वजह है, इट इज़ रिटन ऑन द वॉल, इसके लिए किसी अकल की ज़रूरत नहीं। अकल वहाँ अप्लाई करनी पड़ती है जहाँ बंदे को ये एवेल्यूएट करना पड़े कि भाई ये किस हद तक धांधली कर सकेंगे। तो न्यूट्रल्स चूँकि वाकई न्यूट्रल्स थे, ये खास हद से आगे नहीं जा सके, लेकिन जो प्री पोल पोलिंग डे पे और उसके बाद जो वारदातें हो सकती हैं वो सारी की हैं इन्होंने, वरना माइंड बॉगलिंग होती है इमरान की। ये तो मैं पहले भी कह चुका था कि डिपेंड करता है इलेक्शन किस तरह के होंगे। और एक बात और मैं आपको, दुनिया का ताकतवर से ताकतवर आदमी भी उसको इंटैक्ट नहीं रख सकता। नून लीग का ये हाल है कि तेज आंधी है और तूड़ी की गठड़ी खुल गई है इनकी, ये अब रुकेगा नहीं, इसकी स्नो बॉलिंग होगी। और ये जो एक मिथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि अगर नवाज शरीफ होता, ओ भाई पहली बात तो ये क्यों होता भाई, सियाना आदमी है, तजर्बाकार है, वो बैठा है वहाँ आराम से। और ये मिथ उस दिन टूट जाएगी, द डे ही लैंड शेयर, देख लेना आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मैसेज दिया जा रहा था वो लोगों तक पहुँच गया है। इट हैज टेकन मोर देन 30 ईयर्स, तो लेकिन वो मैसेज चला गया। अब नहीं, ये रिवर्स मुझे नहीं होता लगता, ये नून लीग वाला जो कारोबार है ना, कतन नहीं। इन्होंने धांधलियां, सीरीज ऑफ धांधली करके इन्होंने पीपल्स पार्टी से पंजाब बिलखसूस लाहौर छीना था। अब कुदरत कहते हैं ना, अल्लाह पाक का कहना है कि मैं दिनों को इंसानों में फेरता रहता हूँ, दिन फिरने शुरू हो गए हैं, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट। जनरल इलेक्शन आने दें, आपको समझ आ जाएगी।